सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आपने 25 में 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, इवन आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं नीट में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो में जो भी मैं चीज बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो कर लेना, गारंटेड बता रहा हूँ आपका स्कोर आ जाएगा। इस बार काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 700 प्लस मैंने पहुंचाया है, जिनका 680, 690, 700, 710 तक स्कोर आया है, तो इस चीज को आप मान के चलना कि इस वीडियो में आपका सब चीज का सोल आउट हो जाएगा, हर चीज पूरे साल में आपके साथ रहने वाला हूं, हर चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपको नीट 24 में जिन चीजों से आप सीखे हैं, नीट 24 में जो आपने मिस्टेक करी, तो उन मिस्टेक को सबसे पहले आपको मिस्टेक को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद में इस वीडियो को देखना, जो चीज मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट में पढ़ना है, सबको पता होता है, लेकिन जो जनरल थिंग्स होती है जो आपको अप्लाई करनी होती अपनी प्रिपरेशन में, अपने कॉम्पिटिशन में, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हैं बाकी लोगों से, तो इस वीडियो में वही बात करूंगा। तो यार देखो, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि परफेक्ट प्लान विद सब्जेक्ट वाइज, आपको एक प्लान बनाना होता है, परफेक्ट प्लान होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, इस सब्जेक्ट में क्या प्लान चलेगा, उस सब्जेक्ट में क्या प्लान चलेगा, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। देन मैं बात करूं बेस्ट स्टडी मटेरियल की, आपको जो पढ़ने की बुक्स होती है, आपकी जो मटेरियल आपका वो बेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या, सिलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए उपयोगी है केवल उसको फॉलो करना है। मार्केट में, कोचिंग्स में, हर जगह बहुत सारा भर भर के मिलता है, लेकिन अगर आप सारे के चक्कर में फंस जाएंगे तो आपका साल खराब हो जाएगा, सिलेक्शन 25 में भी नहीं होगा। तो ये सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए, तभी चीजें पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद मैं बता दूं बेस्ट गाइडेंस की, आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए, किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए, किस रास्ते पे आपको नहीं जाना चाहिए, जो एक्सपीरियंस इंसान हो, जो जाने कितनी बार उस रास्ते से निकला हो, जाने कितनी बार उन चीजों को उसने एनालाइज किया हो, फील किया हो, वो इंसान आपको बता सकता है कि भाई तू ऐसा मत करना, ऐसा करना, ये वाली चीज करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप दूसरों की गलती से सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर खुद पे अप्लाई करेंगे, खुद की गलती से सीखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसमें आपका साल खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, देन आपके मिस्टेक मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में जितने कम आप मिस्टेक करेंगे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। उसके बाद परफेक्ट टाइम टेबल एक होना चाहिए जो आप जनरली बना लेते हैं, और मैं रहूंगा आपके साथ में तो परफेक्टली बना दूंगा, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों की जो प्रॉब्लम है आपकी, इन सबको सोल्व आउट करने के लिए आज जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है मेंटरशिप बैच, जो पिछले साल भी स्टार्ट होता है उसका नाम था विजन बैच, विजन बैच 25 के लिए मैं लेके आऊंगा, और इस बार टॉपर्स भी मेरे साथ रहने वाले हैं, दिल्ली में MAMCU वगैरह बड़े बड़े कॉलेज से बच्चे होंगे सारे जो टॉपर, इस बार आपको इंटरव्यू कुछ दिन बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंटरव्यू आप देखना, वो सारे लोग आपको गाइड करेंगे। तो इस बैच में मैं आपको ओनली 100 सीट देने वाला हूं कि आप 100 सीट में आइए, और कैसे लेना है सारी चीज बता दूंगा, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा चीज आपको शुरू से मैं बता रहा हूं। यार अपना बैच का नाम है विजन बैच नीट 2025 के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो सारी चीज आपको मिलने वाली इस बैच के थ्रू मिलने वाली है, प्रॉपर ये बैच ओरिएंटेड जो वीडियो होने वाली, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मैं आपको हेल्प करूंगा, कैसे मैं आपके साथ रहने वाला हूं, ठीक है। तो यार देखो, सबसे बड़ी चीज है कि मेरे साथ रहने से आपको, मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और काफी सारे टॉपर को मैंने मेंटोर किया है जो इस बार टॉप कर रहे हैं नीट एग्जाम में, वो इंटरव्यू आप जल्दी देखेंगे। साथ में देखो, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बात है कि इसके जो फीचर्स है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। इसके फीचर्स क्या है कि हर जगह आप मेंटरशिप देखते होंगे, क्या होता है ना, 5-10 लोग रहते हैं, वो कोई इससे बात कर रहा होगा, कोई किससे बात कर रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किससे आपको बात करना है, वो क्या बताएगा, कभी महीनों महीनों तक 10-10 दिन तक आपसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, मैं क्या करता हूँ, खुद अकेला खुद ही गाइड करता हूँ, खुद ही बात करता हूँ, खुद ही व्हाट्सअप हो चाहे कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, हमेशा मैं खुद बात करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा 1-to-1 टॉक मिलेगा आपको, है ना, पर्सनली आप मुझसे बात करेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे। उसके बाद पर्सनल कॉल नंबर आपको मेरा मिलेगा जिसपे आप कभी भी बात कर सकते हैं। उसके बाद डेली मॉनिटरिंग होगी, ऐसा नहीं कि वीकली 15 दिन महीने में, मैं हर दिन आपका अपडेट लूंगा, क्या था, क्या कर रहे थे, कैसे किया, क्या नहीं किया, मतलब अपन डेली कनेक्टेड रहेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद वीकली वीडियो कॉल होगा जिसमें अच्छे अच्छे टॉपर्स अपने साथ में होंगे, पूरे वीक में आपने क्या किया क्या नहीं किया पूरी समराइज आपके तरीके से होने वाली है, अगले वीक में अपने को क्या करना है, ये सारी चीज मैं आपको लेके चलूंगा। देन मैं बात करूंगा जब आपका टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट का आपका एनालाइज करूंगा, टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपकी वीकनेस है, उस इंप्रूवमेंट को अपन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज हम इस चीज में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज
एनालिसिस का, मतलब तीनों सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता ना कि हर बच्चे का सब्जेक्ट सही होता है, कभी किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं, किस पे कम कर रहे हैं, उसमें कम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से आपका वीक पॉइंट है उसको आगे लेके जाना है और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखना है, ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, आप जनरली नॉर्मली पढ़ाई करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आपको एकदम स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा तभी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। देन सिलेबस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस को कब तक खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, किसको कैसे क्या करना है, सारी चीजें इसमें मिलेगी आपको। उसके बाद टाइम का मैनेजमेंट, कितने घंटे किसको देना है, क्या करना है, ये सारी चीज मिलेगी। देन मार्क्स इंप्रूवमेंट, कम नंबर आते हैं उसको इंप्रूवमेंट कैसे करवाना है, कैसे आपको धीरे धीरे स्कोर इंप्रूवमेंट करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार मैं आज से ही या फिर आपको कल से मार्क्स इंप्रूवमेंट करा दूंगा, महीना डेढ़ महीना दो महीना लगेगा, धीरे 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 इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपका 300 नंबर आ रहा है तो पहले कैसे 350 पहुंचे, कैसे 400 पहुंचे, कैसे 450, इस तरह से। ऐसा नहीं होता कि 300 से मैं डायरेक्टली आपको 650-700 में पहुंचा दूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा चीजों का, कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, दोनों का कंबाइन हो गया कितना एफर्ट अपने लिए काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखो अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके मैं बात वही बता दूं, 1-to-1 टॉक अपनी होगी, ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ चीजें। उसके बाद स्टडी प्लान अपना, मटेरियल क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया से परफेक्टली हम काम करेंगे। इसकी जो फीस है आपकी वो ओनली है 1999 रुपीज, मतलब आप 2000 रुपए मान के चल लीजिए। इसमें फुल ईयर की है, कोई मंथली नहीं है, जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं 2000 रुपए में पूरे साल आपके साथ हूँ, ठीक है। इसका पे कैसे करना है आपको, ये जो UPI है इस UPI पे आपको पे करना है, पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ओनली व्हाट्सएप इस पे लगेगा। व्हाट्सएप पे आप इसके पास जाएगा, जाने के बाद आपका वेरीफाई होगा पेमेंट, और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपको यहां से मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, आपको पास मेरा पर्सनल नंबर आएगा और मेरे पास भी आपका नंबर आ जाएगा, फिर हम दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे और आगे की प्रोसेस जो भी बात होगी। सबसे पहले मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, आपसे वीडियो कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करके 1-to-1 में आपसे बात करूंगा, कैसे क्या था क्या नहीं था, हर चीज जो मुझे जाननी होगी डिटेल में मैं जानूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे का कैसे प्लानिंग होगा, मुझे क्या देना है क्या नहीं करना, होल ईयर की आपकी प्लानिंग करेंगे। तो ये वाला जो आपका परफेक्ट प्लान है ये चीज होने वाली है, तो आप जल्दी से इस चीज को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि याद रखना भाई, मैं इस बैच में अभी के लिए ओनली 100 सीट ही लेके आया हूं, आपको बस 100 सीट पे एडमिशन मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। पहले मेरे को इन 100 बच्चों को लेना है, इनमें सेलेक्टेड करना है, काउंसलिंग होगी प्रॉपर आपकी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेगी।